और अभी नाज़रीन को बताएं कि कस्टम हुकाम ने रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए खैबर मील से मोबाइल फोन्स की बड़ी खेप पकड़ ली है। कार्रवाई की गई है और इसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स पकड़ लिए गए हैं। खैबर मील से मोबाइल फोन्स की बड़ी खेप पकड़ ली गई, जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे नौमान मकसूद से। नौमान बताइएगा, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी, ये कार्रवाई हुई है रेलवे स्टेशन रावलपिंडी में, जहाँ पर खैबर मेल से कस्टम हुकाम ने एक ट्रेन जो खैबर मेल में जो है वो एक पार्सल जो है उसको मशकूक जानकर उसे खुफिया इतलाह पर खोला तो उसके अंदर से 560 मोबाइल फोन बरामद हुए। कस्टम हुकाम का ये कहना है कि ये मोबाइल फोन जो हैं वो बेशकीमत हैं, जिनकी मालियत जो है अब कस्टम हुकाम का कहना है कि 20 लाख रुपए से जायद है। कस्टम हुकाम ने मजीद तफ्तीश इस पर शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो पार्सल लगाए गए थे इसमें किसी का नाम जो है वो नहीं मालूम हो पा रहा था, जिस पर कस्टम हुकाम ने रेलवे स्टेशन से तमाम मालूम इकट्ठी करके पार्सल भिजवाने वाले और जहाँ पार्सल ये भेजा जा रहा था वहाँ उन अपराध को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं जो पेशावर और लाहौर रवाना कर दी गई हैं। जी शुक्रिया नौमान मकसूद।